भाई जितने प्रोडक्ट से दूर रहोगे ना उतने लंबे आपके बाल चलेंगे। सीधी बात, अगर नहाते हुए आपको अपने बाल टूटते हुए दिखते हैं, इवन वॉश के बाद भी आप फील करते हो आपके बाल और स्कैल्प दोनों ऑयली हो जाते हैं, इचिनेस की बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी बालों को आप ब्रश कर रहे हो आपको फील हो कि आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन होने लगी या आपके बाल उड़ने लग चुके हैं, बात करते हैं सारी हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में जो आप फेस करते हो। Hey guys, welcome back to the Dynamite Mail. My name is Sahil Gera and welcome to the Indian Hair Care Series Part 2. इस वीडियो के अंदर हम आज बेसिक हेयर केयर रूटीन करने वाले हैं जिसमें हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताएंगे, चाहे आपका ड्राई स्कैल्प हो, चाहे आपका ऑयली स्कैल्प हो, या आपके नॉर्मल स्कैल्प हो, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपके बालों के हिसाब से, बिकॉज आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो आप किसी भी हेयर एंड स्कैल्प टाइप पर यूज कर सकते हो। एंड गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी पूरी इंडियन हेयर केयर सीरीज में किसी भी टाइप की पेड प्रमोशन वगैरह नहीं होगी, साथ ही साथ जो भी मैं आपके साथ चीजें शेयर करूंगा अपने बालों के हिसाब से जो मैंने आज तक फेस करी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड इजी टू यूज, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इजी हो। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स देता हूं। आई नो आपके साथ बहुत इश्यूज होते हैं, आपको फील होता है कि आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, या शार्प लेते हैं आपके बाल थोड़े से टूटते हैं, आपको लगता है आपका हेयर फॉल हो रहा है, कई लोगों को मेल पैटर्न बॉन्डलेस की भी दिक्कत होती है, या डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ दी ड्राई स्कैल्प, और सबसे बड़ी दिक्कत भाई इचिंग कुछ ज्यादा ही होती है। कई लोगों को लगता है कि उनके बालों में वो स्मूथनेस नहीं है, वो ब्लैकनेस नहीं है और बिल्कुल सफेद होना स्टार्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ जैसे आपके बाल थोड़े से हल्के होते हैं आपको लगता है कि आपके बालों में वो वॉल्यूम नहीं है, यहीं से हमारी टेंशन जो है और बढ़ जाती है और स्ट्रेस की वजह से अगेन हमें हेयर फॉल एंड सारे हेयर इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। सो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आज की वीडियो के अंदर ऐसे ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं आपका डेफिनेटली जितनी भी हेयर प्रॉब्लम्स है सारे के सारे आप इजीली चुटकियों में फेस कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो के साथ में। देखो आई एम श्योर आपको पता होगा कि आपका हेयर स्कैल्प किस टाइप का है, ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है। अगर आपको नहीं पता तो आपको एक मेथड बताऊंगा। सबसे पहली चीज, सुबह उठते ही आपको शीशे आगे जाना है और साथ में लेना है एक टिश्यू। टिश्यू को आप अपने बालों पे और स्कैल्प के ऊपर थोड़ा सा रब करोगे एंड देखोगे अगर आपको वहां पे ऑयल नजर आता है या थोड़ा सा गंदगी नजर आती है, दैट मींस वो आपका ऑयली स्कैल्प है। अगर उसमें कुछ भी नहीं लगता, हो सकता है वो नॉर्मल हो या ड्राई हो। अगर आपके बाल और स्कैल्प दोनों ड्राई है, आपको एक करना है, सिंपली अपने बालों को आपने रब करना है एंड सी कि उसमें कोई फ्लेक्स तो नहीं नजर आ रहे आपको। अगर फ्लेक्स है, दैट इज कॉल्ड डैंड्रफ एंड दैट जनरली हैपेंस बिकॉज ऑफ दी ड्राई स्कैल्प। और नॉर्मल स्कैल्प में आपको ना टिश्यू के अंदर ऑयल दिखेगा ना आपके बालों से डैंड्रफ निकलेगा। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर जितनी भी मैं आपको चीजें बताऊंगा हर हेयर टाइप पे वो काम करेगी, आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपके थोड़े से ड्राई है, ऑयली है, उसके हिसाब से आपको अलग अलग प्रोडक्ट यूज करें। नहीं, मैं आपको सिर्फ ऐसे तीन चीजें बताने वाला हूं जो आप अपने हेयर पे यूज कर सकते हो एंड उससे डेफिनेटली आपको फर्क जरूर महसूस होगा। गाइस, सबसे पहली चीज के बारे में बात करें, व्हिच इज दी ऑयलिंग। हम ऑयलिंग को जनरली मिस कर देते हैं, नहीं करते आज के टाइम पे, हम सीधा शैम्पू पे अटैक करते हैं या हम सीधा कंडीशनर पे अटैक करते हैं, लेकिन ऑयलिंग ऐसा स्टेप है जो आपके बालों की जो क्वालिटी है डिटरमाइन करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑयलिंग जरूर करो। तो यहां पे मैं एक आपको ऑयल बताऊंगा, व्हिच इज दी मस्टर्ड ऑयल। आई एम श्योर आपके घर में ये चीज काफी टाइम से यूज आती होगी एंड गाइस उसके अंदर ऐसी एंटी फंगल एंड बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है जो आपके बालों में कभी भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आने देगी। अगर आप बहुत लंबे समय से वो चीज ऑलरेडी कर रहे हो, आप देखा होगा कि आपके बालों की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है और उसमें किसी भी टाइप के इश्यूज नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स दैट यू कैन यूज। अब ये तो बात होगी मस्टर्ड ऑयल की, आपने आई एम श्योर सुना होगा इंदुलेखा ब्रांड, ये बहुत पुराना ब्रांड है एंड गाइस इनके जो ऑयल है स्पेसिफिकली आपके बालों की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, आपको किसी भी टाइप की हेयर फॉल के इश्यूज है या एनी काइंड ऑफ हेयर इश्यूज, ये ऑयल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा बिकॉज इसके अंदर है आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे इंदुलेखा के भृंगराज ऑयल के बारे में। अब भृंगराज एक ऐसा ऑयल है जिसका सीधा इफेक्ट पड़ता है आपकी हेयर की ब्लड सर्कुलेशन पे, मतलब वो वाला एरिया जब आप उस ऑयल को लगाते हो और अच्छे से मसाज करते हो, वो एक्टिवेट करता है हेयर फॉलिकल्स को, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मूव होते हैं एंड आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर सीधा जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे कि आपको अपने बालों में थिकनेस महसूस होती है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज, प्रैक्टिकली बात करूं, किसी भी ऑयल प्रोडक्ट से बेटर मेरे को इसमें रिजल्ट दिखा। इवन मेरी मम्मी भी ये चीज यूज करती है एंड मम्मी की प्रॉब्लम ये थी कि उनके बाल थोड़े से थिन होने स्टार्ट हो गए थे, उन्होंने काफी टाइम यूज किया एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज बहुत बढ़िया काम करी मेरी मम्मी के लिए। अब ये आपने ऑयल कैसे अप्लाई करना है, सिंपली थोड़ा सा पाम के अंदर लेना है, उसको अच्छे से रब करना है अपने स्कैल्प पर, थोड़ा जेंटली करना है, बहुत तेज करोगे तो आपके बाल वहीं पर टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा प्यार प्यार से करो लेकिन मेक श्योर कि वो अच्छे से आपके स्कैल्प पर मसाज हो, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। अब ये चीज आप रात को सोने से पहले कर सकते हो, ठीक है, आपने ओवरनाइट ऑयलिंग करी एंड उसके बाद नेक्स्ट डे आप अपना शैम्पू वगैरह कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये चीज पसंद नहीं है तो आप नेक्स्ट दिन ही सुबह सुबह के टाइम पे 3 से 4 घंटे शैम्पू से पहले आप ये वाला ऑयल अप्लाई
करो, अच्छे से मसाज करो, खुद से करो या अपनी मम्मी से करवाओ, लेकिन इट विल बी डेफिनेटली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब ये वीक में कितनी बार करना है, सिर्फ एक बार करना, दैट्स इट। मतलब आपने फ्राइडे को रात को कर ली या आपने सैटरडे को लगा लिया। अब जिनका ड्राई स्कैल्प होता है, ऑयली स्कैल्प होता है, नॉर्मल स्कैल्प होता है, उनको कितनी बार महीने में या हफ्ते के अंदर अप्लाई करना चाहिए ये चीज, वो मैं आपको वीडियो के थोड़े से एंड बताऊंगा, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखो। अब बात आती है शैम्पू की। गाइस शैम्पू मतलब आपको दुनिया भर के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, उनके दुनिया भर के केमिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपका भाई यहां पर बैठा है, मैंने निकाला है एक ऐसा केमिकल फ्री शैम्पू जिसके अंदर ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हैं जो आपके बालों के लिए बेनिफिशियल होगी, किसी भी टाइप की केमिकल्स उसके अंदर नहीं है, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। अब देखो शैम्पू का बेसिक काम क्या होता है, आप कभी बाहर जाते हो कहीं पे भी जाते हो, आपका स्कैल्प थोड़ा सा ऑयली हो सकता है, ड्राई हो सकता है, उसके अंदर डर्ट फंस जाती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ब्लॉकेज भी हो सकती है, तो जितनी भी डर्ट वगैरह होती है, जितना ऑयल होता है, सबको वो क्लीन कर देता है, आपके बाल बच जाते हैं बिल्कुल फ्रेश। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत होती है उसमें कि आपका पीएच बैलेंस थोड़ा सा खराब हो जाता है, मतलब नेचुरल ऑयल्स आपके स्कैल्प में निकलते हैं वो चीज डिस्टर्ब हो जाती है। उसके साथ साथ आपको एक और चीज यूज करनी है ताकि आपका नेचुरल पीएच बैलेंस मेंटेन रहे। अभी बात करें हम जैसे यहाँ पे शैम्पू के बारे में, तो हम अगेन यूज करने वाले यहाँ पे हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। इसके अंदर भी अगेन गाइस वो आयुर्वेदिक हर्ब्स है लाइक भृंगराज, जिसकी काफी सारी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज होती है जैसे मैंने पहले बात करी। इसके अंदर मेन चीज है विच इज आंवला। आई एम श्योर आपके बड़े बूढ़े जो घर में है उन्होंने आपको डेफिनेटली कभी ना कभी बोला हो कि आंवला अपनी डाइट में रखो या आंवले का जूस पियो, उससे लंबे टाइम तक आपके बाल बिल्कुल स्वस्थ और काले रहते हैं। तो बेसिकली जो आंवला है विच इज रिच इन विटामिन ई, जो लंबे टाइम तक आपके बालों को बिल्कुल काला रखता है एंड साथ ही साथ उसको न्यूरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपके बालों की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। अब कई लोगों के बालों में ना थोड़े से इन्फेक्शन वगैरह होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उसके लिए इसके अंदर आपको मिल जाएंगे तुलसी एंड नीम, जिसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये सारी चीजें बिल्कुल टिकने भी नहीं देते आपके बालों में। साथ ही साथ अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है भाई बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके अंदर हेना एंड शिकाकाई भी है, जो आपके बिल्कुल डेड बाल है ना उनके अंदर भी वो जान डल देता है, उनको रीजनरेट करने में हेल्प करता है ताकि आपके बाल वापस से एकदम हेल्दी लगे, जिसका सीधा इफेक्ट आपकी हेयर फॉल स्टॉपेज में काम आएगी। अब ये आपको कैसे अप्लाई करना है, जब आपने रात को ऑयलिंग कर लिया, 3-4 घंटे पहले ऑयलिंग कर ली, आपको जब नहाने जाना है तब आपको ये शैम्पू थोड़ा सा अपने पाम में लेना है, अच्छे से जेंटली मसाज करना है। और मैं ज्यादा एम्फेसिस डालूंगा यहाँ पे एक स्कैल्प मसाजर पे। ये स्कैल्प मसाजर जो है इससे आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटते, साथ ही साथ आपको इतना रिलैक्स फील होगा, मतलब इतने अच्छे से मसाज होगी, एंड यहाँ पे आपका सबसे बड़ा टारगेट है विच इज टू इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, अगेन न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब होंगे आपके हेयर फॉलिकल्स में, आपके बाल थोड़ी सी जल्दी ग्रो होना स्टार्ट होंगे, उनमें जान ज्यादा आएगी, थोड़े से बाउंसी बनेंगे और इतने हेल्दी हो जाएंगे कि यू विल ऑलवेज हैव अ गुड हेयर डे। ये आपको कब कब करना है, जैसे आपने ऑयलिंग कर ली उसके बाद आपने सबसे पहला स्टेप जो कि है शैम्पू करना है। कितनी बार करना है, तो कोशिश करो वीक में एक ही बार करो। अब गाइस मैंने आपको बताया था शैम्पू करने से हमारे जो नेचुरल ऑयल्स है स्कैल्प के वो बिगड़ जाता है, उसका पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है जो कि आपको बालों को अगेन ऑयली वगैरह बनाता है। तो मैं आपको बोलूंगा यहां पे आपको पहले ही न्यूरिशमेंट इतनी प्रोवाइड करनी है कि वो बिल्कुल हाइड्रेटेड हो, उसके नेचुरल ऑयल्स रीइंसेट हो जाए ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो यहां के लिए हमने यूज करना है कंडीशनर। अगेन ये कंडीशनर होता है बिल्कुल लोग छोड़ देते हैं, नहीं यूज करते, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब गाइस बात करते हैं हम कंडीशनर की। अगेन जो हम कंडीशनर यूज करने वाले हैं, देखो हमारे स्टार इंग्रेडिएंट्स रहे हैं आंवला एंड भृंगराज। ये मेक श्योर करो कि आपके बालों वाले प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी प्रेजेंस, बिकॉज वो मेंटेन करेंगे आपके बालों की बहुत तगड़े तरीके से क्वालिटी। अब ये वाला जो कंडीशनर है ये आपको थोड़ा सा क्रीम टाइप टेक्सचर आपको फील होगा। सिंपली शैम्पू करने के बाद जो आपके बाल थोड़े से गीले होते हैं, आपने थोड़ी सी ये क्रीम लेनी है एंड इसको अप्लाई करना है एंड थोड़ा सा जेंटली मसाज रखना। इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा आपके बालों के न्यूरिशमेंट पे, उसको हाइड्रेटेड रखेगा। सीधा सीधा ये एंटी हेयर फॉल एंड इसके अंदर ग्रोथ एलिमेंट्स होते हैं, मसाज करने के बाद आपके स्कैल्प का पीएच बैलेंस को रीइंसेट करेगा। एंड आप नोटिस करोगे जैसे आपके बाल सूखेंगे ना, आपके बाल इतने सॉफ्ट और बाउंसी हो जाएंगे कि कोई हद नहीं। अब गाइस इसको लगाना कैसे, जैसे मैंने बताया शैम्पू करने के बाद आपको अपने गीले बालों पे इसको अप्लाई करना है, 2-3 मिनट का आपको स्टे रखना है एंड वापस से आपको अपने बाल वॉश कर लेने हैं। इसका सीधा सीधा इफेक्ट आएगा आपके बालों में से डैंड्रफ को बिल्कुल रिमूव करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपके बालों में एक नेक्स्ट लेवल की शाइन और बालों से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। देखो ये तीनों चीजें आपको बेसिक करना ही करना है, इससे आपके बाल थोड़े से लॉन्ग टर्म तक बढ़िया रहेंगे, आपको किसी भी टाइप के हेयर इश्यूज नहीं आएंगे। मैं कहूंगा कोई भी प्रोडक्ट आप अपने बालों में अप्लाई करो, मेक श्योर उसके अंदर आंवला एंड भृंगराज होना बहुत जरूरी है एंड प्रोडक्ट में किसी भी टाइप के केमिकल्स नहीं होने चाहिए। बट ये वाला जो रूटीन है आपके, अगर ऑयली स्कैल्प है, ड्राई स्कैल्प है या नॉर्मल स्कैल्प है, आपको कब कब और कितनी बार इसको अप्लाई करना है, देखो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा भाई जितने प्रोडक्ट से दूर रहोगे ना उतने लंबे आपके बाल चलेंगे, सीधी बात। आपको बहुत से लोग बताएंगे कि ये प्रोडक्ट यूज कर लो, वो प्रोडक्ट यूज कर लो, आपको तभी प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जब वो नेसेसरी। जैसे आपके बालों में थोड़ी सी गंदगी है तो आपको शैम्पू लगाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज रोज शैम्पू से वॉश कर रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है जिससे आपके बाल डेफिनेटली मैं कहूंगा खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपके हेयर एंड स्कैल्प ऑयली है, सिर्फ 2 वीक्स में एक बार आपको ये पूरा रूटीन करना है। अगर आपके ड्राई स्कैल्प है, अगेन मैं बोलूंगा 2 वीक्स में एक ही बार करना है। अगर आपका नॉर्मल स्कैल्प है तो पूरे महीने में आप सिर्फ 3 बार भी या 2 बार भी करो, इट्स इनफ फॉर यू। अगर ये बेसिक रूटीन
रूटीन जब आप अपने बालों के साथ करोगे, सबसे बड़ी चीज है आप नोटिस करोगे कि क्या डिफरेंस पड़ा। सबसे पहली चीज, आपके बाल बाउंसी आपको फील होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो थोड़ी सी नेचुरल वेवीनेस होती है ना बढ़िया बालों वाली, वो आपको दिखेगी। आपके बाल ना ऑयली होंगे ना ड्राई होंगे, बिल्कुल नॉर्मल की कैटेगरी में आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, आपको हेयर फॉल के इश्यूज है, वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो स्टॉप हो जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप कुछ टाइम में नोटिस करोगे आपके बाल एकदम बढ़िया, बिल्कुल हैविंग अ गुड हेयर डे एवरी डे। तो प्रोडक्ट से थोड़ा सा दूर अगर करोगे भी तो कोशिश करो कि मिनिमल में रखो ताकि आपके बाल और हेल्दी रहे। तो जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैंने वही प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो आपको यूज करने चाहिए फॉर एवरी टाइप ऑफ हेयर। और गाइस Amazon पे बहुत जबरदस्त तरीके से सेल चल रही है, और गाइस रक्षाबंधन भी आ रहा है तो आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो। अगर लड़कियां देख रही है तो अपने भाइयों को ये चीज गिफ्ट करो, अगर भाई भी देख रहे हैं तो अपनी बहनों को ये चीज आप डेफिनेटली गिफ्ट कर सकते हो, ताकि जब आप अपने भाई बहनों के बाल फूटो तो थोड़ा मजा आए। अगेन लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस ये थी हमारी बेसिक हेयर केयर रूटीन पार्ट 2, जिसमें हमने सारे बेसिक के बारे में बात करी। अब गाइस हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा व्हिच इज द बजट हेयर केयर रूटीन, और ऐसी-ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे प्रोडक्ट को आप लात मार दोगे बिकॉज वो भी इतने इनफ होंगे कि आपको अपने बालों में मजा आ जाएगा। तो वेट करना हमारे नेक्स्ट पार्ट का, बिकॉज हमारी बिल्कुल बजट वाली होने वाली है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको सच में आज की वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगे, तभी इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल पे ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आती है और आपका टाइम वर्थ होता है देखना, तभी सब्सक्राइब करना, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑल्सो गाइस इंस्टाग्राम पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट हमारा चलता है, और कुछ हमारी वीडियोज ऐसी मिलियन 6 मिलियन हिट गई है। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आपको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, बिकॉज वहां पे थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्टेंट आता है तो आपको काफी पसंद आएगा। तो वहां पे आप मेरे को गाइस डीएम भी कर सकते हो अगर आपको किसी भी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हो, या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बिकॉज लास्ट वीडियो जो हमारी होगी व्हिच विल बी द क्यू एंड ए सेशन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, अपने बड़ों का भी ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।